25,000 के प्राइस में Infinix का GT20 Pro is one of the best gaming smartphones with all this RGB flare, एक 144Hz refresh rate का display और MediaTek का Dimensity 8200 Ultimate. ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपको 90 FPS का support भी मिलता है in BGMI. And for this price, ये क्या बात कर रहा है? हमने इसमें लगातार 2 घंटे एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट किए, BGMI खेला, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेला और GTA San Andreas भी खेल दिया. साथ ही साथ परफॉर्मेंस मेजर किया एंड FPS मीटर के साथ आपको सारा डेटा दे रहे हैं हम. तो अगर आप Infinix GT20 Pro लेने का सोच रहे हो, ये पूरा वीडियो देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हम बढ़ते हैं आगे. काफी गेमिंग सेंट्रिक डिजाइन रखा है Infinix ने यहाँ और हमने उसका पूरा फायदा भी उठाया विद दीज लाइट्स. आपका क्या ख्याल है ये डिजाइन के बारे में, बताओ हमें कमेंट्स में. चलो ये सब बातें तो होते रहेंगे, यहाँ ब्राइटनेस को बढ़ा देते हैं एंड हाँ, ऊपर की तरफ एट ऑल टाइम्स आपको FPS देखने मिलेगा ताकि आप खुद भी परफॉर्मेंस एसेस कर पाओ. चलो इसी बात पे एक बार सब्सक्राइब कर देना, हम शुरुआत करते हैं BGMI से. हम यूजुअली ये सब टेस्ट 100% बैटरी से शुरुआत करते हैं, बट सारी चीज सेटअप करते करते 97% पे गिर चुका था ये. एंड आई थिंक पीछे के डिस्को लाइट्स आल्सो प्लेड अ पार्ट इन दिस. तो पहले गेम की शुरुआत करते हैं, ग्राफिक्स को स्मूथ पे रखे और फ्रेम रेट को एक्सट्रीम प्लस पे रखे, विच मीन्स आपको 90 FPS का गेम प्ले देखने मिलना चाहिए. यही सेम 90 FPS का गेम प्ले मुझे लास्ट ईयर Infinix GT10 Pro पे भी देखने मिला था. तो ये काफी कमेंडेबल चीज है कि इन्होंने ये बार भी लाया है अंडर 25K के प्राइस सेगमेंट में. और अगर एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो लैंडिंग के टाइम पे मुझे 65 या 66 FPS तक का मीटर पे दिखा था, लेकिन ये सिर्फ मीटर पे रीडिंग आ रहा था. मैंने कोई ऐसा मेजर फ्रेम ड्रॉप या ऐसा स्टटर नोटिस नहीं किया या ना ही एक्सपीरियंस किया ड्यूरिंग दिस लैंडिंग पीरियड. एंड अगर बाकी एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो एट ऑल टाइम्स ये 84, 85 या 86 FPS के अराउंड कंसिस्टेंट चल रहा था, लेकिन हाँ 90 FPS एकदम रेयरली रीच हुआ है ये. तो चिपक के 90 FPS तो मिल नहीं रहा है इस पे, लेकिन 85, 86 FPS इज स्टिल अ वेरी गुड नंबर. यही सेम नंबर एक बड़े से स्क्वाड फाइट के बीच में 80 FPS तक गिर चुका था, लेकिन अगेन ऐसा कोई स्टटर नहीं आया था जिसके कारण मैं मर गया या ऐसा कुछ मेरा पूरा गेमिंग एक्सपीरियंस हिंडर हो गया. गाड़ी चलाते टाइम या इवन ये हवाई जहाज चलाते हुए भी ऐसा कुछ फ्रेम ड्रॉप देखने को मुझे मिला नहीं है. सो इट्स रियली गुड कि एक्सट्रीम प्लस वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, जबकि बहुत सारे फोन्स में हमें अभी तक 90 FPS का सपोर्ट मिला नहीं है एंड दीज फोन्स आर स्लाइटली कॉस्टलियर एज वेल. और ये वाला मैच खत्म. अब बारी आती है सेटिंग्स चेंज करने की, तो इसको हम चेंज करके HDR ग्राफिक्स कर देते हैं एंड एक्सट्रीम फ्रेम रेट कर लेते हैं. तो 60 FPS तो फिर भी मिलेगा, लेकिन ग्राफिक्स ज्यादा बेटर हो जाएगी ये बार. लेकिन ये वाला मैच चालू करने से पहले फटाफट से टेम्परेचर और बैटरी देख लेते हैं, क्योंकि हमारा 30 मिनट वाला मार्क आ चुका है. एम्बिएंट टेम्परेचर इज अराउंड 27-28, क्योंकि हमने एसी चालू किया था, काफी गर्मी है भाई यहाँ पे. अगर आगे स्क्रीन की तरफ बात करें तो 37-38 के अराउंड इसका टेम्परेचर रह रहा है एंड रेयर पैनल जो है वो भी 37 के अराउंड ही है, लेकिन कैमरा बम थोड़ा 38.5 डिग्रीज के अराउंड हिट हो रहा है. वैसे दीज आर नॉट एट ऑल कंसर्निंग नंबर्स, स्पेशली ये गर्मी में. अगर बैटरी की बात करें तो परसेंटेज 93% पे गिर चुका है, आधे घंटे के बाद सिर्फ 4% की ड्रॉप हुई है. जैसे पिछली बार लैंडिंग के दौरान हमें 52 FPS देखने को मिला था, ये बार 50 FPS देखने को मिल रहा है, लेकिन बाकी सारे टाइम 58 FPS के अराउंड ही कंसिस्टेंट चल रहा था गेम. स्क्वाड फाइट्स के दौरान भी कुछ मेजर फ्रेम ड्रॉप देखने को मिला, ने हमें 58, 57 के अराउंड ही चल रहा था एंड ये काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रह चुका है, एकदम मक्खन की तरह चल रहा है. तो चलो ये वाला गेम भी हो गया है. अब बारी आती है ग्राफिक्स को अल्ट्रा HDR करने की और फ्रेम रेट्स को अल्ट्रा करने की, विच मीन्स आपको एट ऑल टाइम्स 40 FPS का गेम प्ले देखने को मिल जाएगा. इसके ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन देखते हैं क्या इसके नीचे जाता है. तो ऑनेस्टली यार देखा जाएगा तो GT20 Pro का परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट रह चुका है थ्रू आउट ऑल दिस 3 सेटिंग्स. Awesome. ये वाले अल्ट्रा HDR प्लस अल्ट्रा सेटिंग्स में भी हमें 37-38 FPS के अराउंड चल रहा था एंड बाकी सारी टाइम 39 के अराउंड चल रहा था. इनफैक्ट ऐसा स्क्वाड फाइट के बीच में घुसना या कार चलाते हुए हमें ऐसा कुछ फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिला नहीं, विच इज वेरी गुड परफॉर्मेंस एंड मैं काफी इंप्रेस्ड हूँ सो फार.
तो चलो एक घंटे का मार्क आ चुका है, टेम्परेचर और बैटरी पे नजर डालते हैं फटाफट से। तो एम्बियंट टेम्परेचर 29 डिग्री के अराउंड चल रहा है और स्क्रीन का जो है वो 38 या 37 के बीच में ही घूम रहा है। और अगर रेयर पैनल की बात करें तो आपको 35 डिग्री यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये जो कैमरा मॉड्यूल है वो 37 के अराउंड चल रहा है, विच मीन्स ये पिछले वाले रीडिंग से 1 डिग्री गिर चुका है। और अगर बैटरी की बात करें तो ये आ चुकी है 86% पे एक घंटा लगातार खेलने के बाद। चलो हमने 3 गेम तो खेल लिए, अब एक काम करते हैं, इन्फिनिक्स GT20 Pro के इनिशियल BIOS को गेमिंग किट भी साथ में फ्री मिलती है, जिसमें आपको एक बढ़िया सा कूलिंग फैन मिलता है और एक केस भी जो ये फैन को मैग्नेटिकली अटैच करने में हेल्प करता है। तो फटाफट से इसको यूज करते हैं देखने के लिए कि क्या ये सच में यूजफुल है और क्या ये गेमिंग को बेटर करेगा या बेकार। तो चलो फिर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में डेथ मैच स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। सेटिंग्स के बारे में बात करें तो लो ग्राफिक्स क्वालिटी के साथ अल्ट्रा फ्रेम रेट हम यहाँ पर सेलेक्ट करने वाले हैं, तो लेट्स सी कैसा चलता है ये। और अगर FPS के बारे में बात करें तो यूजुअली जो अल्ट्रा सेटिंग्स है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल पे वो हमें 90 FPS देना चाहिए, लेकिन फॉर सम रीजन ये वाले में हमें 60 FPS का ही सपोर्ट मिल रहा है। बट दैट सेड ये एकदम बढ़िया चल रहा था गेम एट ऑल टाइम्स, 59 या 58 FPS के नीचे गिरा ही नहीं, एकदम चिपक के चल रहा था जैसे हमने BGMI पे भी देखा था। लेकिन दैट्स नॉट इनफ, एक और गेम खेलते हैं विद इंप्रूव्ड सेटिंग्स टू सी हाउ इट वर्क्स एंड ये सेम टाइम भी कूलिंग फैन अटैच करके रखेंगे। तो सेटिंग्स हम ये बार रखने वाले वेरी हाई ग्राफिक्स क्वालिटी और साथ ही में मैक्स फ्रेम रेट, और हम यहाँ पर 60 FPS एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाकी लेट्स सी ये कैसा परफॉर्म करता है। तो कंसिस्टेंसी की बात करो तो GT20 Pro ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, यहाँ पे भी हमें 59-58 FPS के अराउंड ही मिल रहा था, एकदम मक्खन की तरह चिपक के चल रहा था, थोड़े भी लैग या थोड़े भी स्टटर्स ऐसे सडनली हमें देखने को मिले नहीं है। एंड वैसे डेढ़ घंटे का मार्क भी आ चुका है हमारा, तो फटाफट से टेम्परेचर और बैटरी लेवल फिर से देख लेते हैं। तो एम्बिएंट टेम्परेचर 31 डिग्रीज का है एंड अगर बैक पैनल की बात करें तो 25 डिग्रीज पे चल रहा है ये। आई मीन व्हाट इज दिस, ये फैन सिर्फ एक गिमिक नहीं, ये काफ़ी बढ़िया फैन है एंड इट डज व्हाट इट प्रोमिसेस। तो चलो फ्रंट के बारे में बात करें तो 38-39 डिग्री के अराउंड ही चल रहा है, जो फिर भी काफ़ी इंप्रेसिव टेम्परेचर है फॉर प्लेइंग टू गेम्स बैक टू बैक। तो डेढ़ घंटे लगातार गेम खेलने के बाद जो GT20 Pro का बैटरी है वो 61% पे उतर चुका है। तो चलो BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल तो हो ही गया, दोनों ही हाई इंटेंसिव गेम्स है, लेकिन अब बारी आती है थोड़ा नॉस्टैल्जिया हिट करने की। ये एक काफी पुराना गेम है जो आप स्कूल से आके PC पे खेल चुके होंगे, लेकिन स्मार्टफोन्स पे बहुत सारे लोग अभी तक नहीं खेलते। दिस इज GTA San Andreas विद द सेम मैप्स, सेम वार्डरोब, सेम व्हीकल्स एंड अ लॉट। वैसे इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक ग्राफिक सेटिंग्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस स्लाइडर है, उसको हम पूरा राइट साइड बढ़ा देते हैं एकदम और देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा चलता है। तो GTA San Andreas वाला जो गेम है इसमें मैक्सिमम 30 FPS ही देखने को मिला है हमें, उसके ऊपर जा नहीं सकता है ये। हमने परफॉर्मेंस स्लाइडर को नीचे करके भी देखा टू सी इफ 60 FPS अचीव कर सकता है क्या ये, बट 30 FPS पे ये लॉक्ड है। एंड अगर गेम प्ले के बारे में बात करें तो 28-27 ऐसा 29 के अराउंड ही घूम रहा था, इवन दो एक्सप्लोजन्स हो रहे थे, फाइट्स हो रहे थे, मैं कुछ ना कुछ टाइम पास करे जा रहा था, बट ऐसा कुछ परफॉर्मेंस यहाँ पे ड्रॉप हुआ नहीं है, जो बेसिकली अभी तक का एक पैटर्न रह चुका है पूरे गेमिंग टेस्ट में हमारे GT20 Pro के। तो चलो गाइस 2 घंटे लगातार गेम्स खेल लिए हम लोग ने। अगर अभी टेम्परेचर्स के बारे में बात करें तो स्क्रीन जो है वो 39-40 डिग्री के अराउंड चल रहा है और जो रेयर पैनल है इसका वो 39 डिग्री के आसपास ही चल रहा है। वैसे हमने कूलिंग फैन भी निकाल दिया था ये वाले राउंड में। और अगर इसकी बैटरी की बात करें तो ये पहुंच चुका है 49% पे, जो अगर कंपेयर करें इन्फिनिक्स GT10 Pro के साथ तो थोड़ा बैटरी ड्रॉप तो हुआ है, क्योंकि 2 घंटे की एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट के बाद उसका बैटरी वॉज एट 58%। बट हाँ, आपको ये चीज भी याद रखनी पड़ेगी कि हमने इसके साथ कूलिंग फैन भी अटैच किया था जो टाइप सी से पावर खींचता है, एंड नॉट जस्ट दैट हमने पीछे वाली लाइट्स भी चालू रखी थी पूरे टेस्ट के दौरान। तो देखो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा कि दिस फोन इज ऑफरिंग अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। गुड तो ठीक है, लेकिन ये काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है ये प्राइस के लिए। आई मीन थ्रू
थ्रू आउट द टेस्ट इसने कहीं भी मेजर हिकअप नहीं शो किया एंड आराम से बिना बहुत मेजरली हिट किए टेस्ट को खत्म कर दिया। सो इन्फिनिक्स जीटी 10 प्रो के ऊपर तो दिस इज डेफिनेटली एन अपग्रेड। भले ही आप कैजुअल गेमर हो या फिर रेगुलर, आपको इसकी परफॉर्मेंस पसंद आएगी फॉर द प्राइस। लेकिन जहां भी प्राइस वाली बात आती है वहां आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि इसका एक कॉम्पिटिटर है जो भी तगड़ा परफॉर्म करता है, नाम है पोको X6 प्रो, जिसका भी गेमिंग टेस्ट हमने किया है एंड अभी इस पे रिसेंटली प्राइस ड्रॉप भी आया है। तो ये प्राइस में कैसा लगा आपको इन्फिनिक्स जीटी 20 प्रो का परफॉर्मेंस बताना हमें कॉमेंट्स में आके, और ये भी बताना कि पोको X6 प्रो के साथ इसका डायरेक्ट कंपैरिजन देखना चाहोगे या नहीं। ये वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।